गुरुवार को यह एक चीज़ डालने से माँ लक्ष्मी हो जाती हैं प्रसन्न। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी कैसे हो? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हमने माँ लक्ष्मी की कृपा प्रदान कर सकती है। तो जैसा कि कहते हैं कि गुरुवार का धार्मिक ग्रंथों में एक विशेष महत्व है। इस दिन का स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन तुलसी की पूजा करते हैं और गौ माता को फल खिलाते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप तुलसी में एक चीज़ बांध देते हैं तो आपकी सभी मनवांछित चीज़ें और आपकी धन इत्यादि संपदा की वृद्धि होती है। साथ ही गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाने से हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और अपने गुरु को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं दोस्तों कि अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं या फिर धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को किसी ज़रूरतमंद को गुड़ का दान करें या लाल गाय को गुड़ खिला। शादी में समस्या आने अथवा देरी होने पर गुरुवार के दिन गाय को आटे में गुड़ भरकर खिलाने से आपकी शादी के योग जल्दी बनेंगे। इससे बृहस्पति देव बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा आपको प्रदान करेंगे। माना जाता है कि गुरुवार को महिलाओं को अपना सर नहीं धोना चाहिए, ना ही बाल धोने चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए, और ऐसा करने से उनकी कुंडली में बृहस्पति देव कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने लगती है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। केले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलने से वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन कपड़ों को नहीं धोना चाहिए, बहुत अधिक ज़्यादा कबाड़ को घर में नहीं साफ़ करना चाहिए, जाला इत्यादि नहीं साफ़ करना चाहिए, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और उस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। और जो व्यक्ति दाढ़ी बनवाते हैं वह भी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है तो देव गुरु बृहस्पति अशुभ फल देते हैं। व्यक्ति की आयु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। गरुण पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए, लेकिन सरसों के तेल का दीपक न जलाएं, क्योंकि यह उग्र ग्रहों के पूजन में काम आता है। गुरुवार के दिन देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। विष्णु पुराण में तुलसी माँ को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। इससे तुलसी के पत्तों को अमृत के समान कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव निवास करते हैं। दोस्तों, तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उन घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान विष्णु पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आप हर घर में तुलसी लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग तुलसी का पौधा लगा लेते हैं लेकिन एक गलती उनसे हो जाती है, तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिनके कारण उनको तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी हैं, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं।
और उनकी सेवा करें। यदि आप उन्हें चुनरी चढ़ाते हैं, इससे पति पत्नी प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन रहती हैं और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल से होता है। बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होते हैं। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि हैं, इसलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की चुनरी, पीले रंग की चुनरी अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकती हैं। तुलसी के पेड़ में शिवलिंग व गणेश जी की प्रतिमा कभी नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। साथ ही तुलसी के पौधे में किसी अन्य प्रकार के पौधों को नहीं लगाना चाहिए। इससे तुलसी के पौधों के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए और न सुखाने चाहिए, अन्यथा जो कपड़ों का गीला और गंदा पानी होता है वह तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। अक्सर महिलाएं नहाने के बाद खुले हुए बाल लेकर तुलसी को जल चढ़ा देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत होता है। महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है दोस्तों। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ रखते हैं तो को कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और दोस्तों, गुरुवार के दिन तुलसी में पीले रंग का धागा यदि आप बांधकर अपने मन की कोई भी मनोकामना कहते हैं तो वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखने